सिद्धार्थनगर जिले में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज जिले के प्रभारी और नगरीय विकास ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शिरकत की। एके शर्मा आज इटावा विधानसभा क्षेत्र के जुगना हबीबपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे। वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय लोगों का उत्साह देखकर काफी गदगद दिखे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारत के सभी ग्राम पंचायतों में चल रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद भारत को सफलता और विकसित देशों की श्रेणी में शिखर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आज भारत अपनी पहचान के लिए किसी का मोहताज नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा चल रही है, उसमें आज सिद्धार्थ नगर के इस इलाके में आकर के मुझे भाग लेने का मौका मिला। भनवापुर ब्लॉक में मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ इस यात्रा को लेकर के एक जन सैलाब आप लोगों ने देखा है स्वयं अपनी आंखों से कि हजारों लोग इसके लिए यहाँ इकट्ठे थे। इसकी जो मूल भावना है कि देश को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाना है, विकसित बनाना है, लेकिन वो बनाने की प्रक्रिया में उसकी जो शुरुआत है वो गरीबों के आंसू पोंछने से करनी है, पिछड़ों को सहारा देने से करनी है, जो वंचित हैं उनको उनका हक दिलाने से शुरू करनी है। और इसी दिशा में जिन गरीबों को मकान मिले हैं, जिन गरीबों को योजनाओं का लाभ मिला है उनको प्रोत्साहित करते हुए, जिनको नहीं मिल पाया है उनको उस विकास की कड़ी में जोड़ने के लिए सरकार की योजनाओं के यहाँ काउंटर लगाए गए हैं। ये सारे कार्यक्रम लोगों की खुशहाली में बढ़ोतरी करेगा, किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करेगा और युवाओं की रोजगारी में बढ़ोतरी करेगा।